टू मॉर्निंग जी में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। हर रोज की तरह आपके सुबह की शुरुआत होने वाली है खबरों के पूरे डोज के साथ। पंजाब हरियाणा हिमाचल में क्या कुछ खास होने वाला है, इसके साथ साथ देश दुनिया का हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कि आज कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली, उसके बाद डिटेल्स भी आपके साथ साझा करेंगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। जी हां, एसवाईएल के मुद्दे पर आज जो है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार अपना स्टैंड रख सकती है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में पंजाब सरकार ने अलग ट्रिब्यूनल बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। तो एसवाईएल के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। दूसरी बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं, वो भी पंजाब की सियासत से ही। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मुलाकात कर सकते हैं। कई अहम मुद्दों पर जो है इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट कैश क्रेडिट लिमिट समेत कई मुद्दों पर जो है बातचीत जो है मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं। चलिए तीसरी बड़ी खबर हिमाचल से आ रही है। आपको बता दें कि कुल्लू जिले को महिला थाना मिलने वाला है। जी हां, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार ने एक नई पहल की है और महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में हिमाचल सरकार की इसे बड़ी पहल माना जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह आज कुल्लू में विशेष महिला थाने का उद्घाटन करेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर पूरा दिन हमारी नजरें बनी रहेंगी और अपडेट भी आपको हम करते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एसवाईएल के मामले में। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार हलफनामा दायर कर सकती है, पर दिल्ली सरकार के पहले दायर किए गए हलफनामे पर अकाली दल और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश में है। पर आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी से ही एसवाईएल पर स्टैंड स्पष्ट करने के लिए कह दिया है। एसवाईएल जो पंजाब की सियासत में अहम मुद्दा बनकर उठा है, उस पर बयानबाजियां अभी भी जारी है। अकाली दल ने एसवाईएल के मुद्दे पर फिर से आम आदमी पार्टी पर हमले किए हैं। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी पर पंजाब के लोगों से धोखा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि सिर्फ अकाली दल ही एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब का पक्ष मजबूती से रख रही है। उधर कांग्रेस भी लगातार एसवाईएल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े करती रही है। एसवाईएल दे नहर दे मुद्दे चे पंजाब दे उल्ट खड़े है। जेड़ा इंसान हरियाणा दा जंपल होए नुमाइंदगी है दिल्ली दे करदा है, ए पंजाब दे पानियां नाल लाखा कदे हो ही नहीं सकदा। एसवाईएल दी नहर नु जे पंजाब दे लोकी रोकना चाहंदे ने कि पंजाब उजड़ के बंजर रेगिस्तान ना बन जाए, वो कल्ले स्टार प्रकाश सिंह बादल ने जिन्हां दी सारी सोच पंजाब दे लोकां तक सीमित है। आई केजरीवाल हुण जाके इत्थे कुछ बोलदा है, इत्थे बोलदा है कि पंजाब दा पानी नहीं जा नहीं सकदा। ਉਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ। ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰ ਖੜੇ ਕੀਏ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ कि राहुल गांधी ने अब तक एसवाईएल पर अपना स्टैंड क्यों स्पष्ट नहीं किया। एसवाईएल ते राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोले, कहते मामला कोर्ट च है, जबकि केजरीवाल जी तो हर रोज पूछी जाते हैं, अकाली दल भी और कांग्रेस भी, कि दसो की स्टैंड है, दसो की स्टैंड है। असी अपना स्टैंड क्लियर करता कि असी पंजाब दे पानियां दे नाल हां। एसवाईएल का मामला फिलहाल कोर्ट में है, पर मुद्दे पर बयानबाजियों का दौर जारी है। मानसा से बलदेव शर्मा के साथ, संगरूर से सुमित जोशी, जी मीडिया। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, इसके लिए बहस गर्मा गई है। चंडीगढ़ में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में कोई साफ जवाब न आने के बाद विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन कैप्टन की दलील है कि ये फैसला आलाकमान का होगा। पंजाब कांग्रेस की तरफ से इस बार सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस सवाल का जवाब बेशक पंजाब पहुंचे राहुल गांधी टाल गए, पर इस मुद्दे पर सवाल जवाब अब शुरू जरूर हो गए हैं। कैप्टन का समर्थन करने वाली लीडरशिप चाहती है कि कैप्टन का बतौर सीएम कैंडिडेट के तौर पर ऐलान हो, पर आला कमान अभी किसी जल्दबाजी के मूड में नहीं है। सवाल सीएम पद के दावेदारी को लेकर उठे तो कैप्टन ने दलील दी कि सीएम ओहदे का फैसला आला कमान ने करना है,
पर अकाली दल और आम आदमी पार्टी को सवाल खड़े करने का मौका जरूर मिल गया है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने तो कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी एक महीने के अंदर अपना सीएम कैंडिडेट तय करने की चुनौती दे दी है। तो भगवंत मान कैप्टन को कांग्रेस टीम का 12वां खिलाड़ी बता रहे हैं। सारी पार्टियां भज रही ने, मैं आज आ भी कह सकती हूँ कि राहुल गांधी कैप्टन साहब का इस्तेमाल करके इन्हें कुर्सी देनी नहीं। इसी तरह मैं आ भी कह सकती हूँ कि केजरीवाल भी अपना सीएम कैंडिडेट ऐलान करन तो भजदा है, क्योंकि जिस दिन ऐलान करता उस दिन इन्हें पता है कि पार्टी पंजाब से खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी जी तो कैप्टन साहब नू 12वां प्लेयर डिक्लेयर करके जो पानी पूनी पिया हों कॉफी कूफी पिया हों। सो कैप्टन साहब नू बेनती है कि पहला वो कांग्रेस के कैप्टन बन जाए, पंजाब के कैप्टन बाद सोचण हो। सो इस करके सपेर कल अनाउंस उन्होंने शामिल कर लिया गया। उन्होंने ये कहा था, मैं तो साथ उनके बैठा, कि हमारी कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा है कि इट इज दैट आफ्टर द इलेक्शन द ओवर देन द अनाउंसमेंट समेट। विरोधी पार्टियों की तरफ से जब कांग्रेस के सीएम औहदे के उम्मीदवार को लेकर सवाल पूछे जाने लगे तो सीनियर लीडरशिप ने दलील दी कि ये विरोधियों का अंदरूनी डर है। कोई पार्टी की मजबूरियां होनी है, कोई पार्टी के जो नॉर्म्स है उन्होंने चलते कदम अनाउंस करते कि नहीं करते है। पर मैं थोड़ा एक गल दस सकता मुनीत जी, लोगों ने पंजाब के लोगों ने चीफ मिनिस्टर अपना इलैक्ट कर लिया, उन्होंने मन से धारण कर लिया भी कैप्टन साहब नूं असीं मुख्यमंत्री बनाना है। आ तो एक मेयर फॉर्मेलिटी है, किसी टाइम भी पूरी हो जाएगी। केजरीवाल जी का सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कैप्टन साहब नहीं होंगे, तो इसी से समझ में आती है कि अपने घर की फिक्र नहीं है, डरे हुए हैं कैप्टन साहब से, इसलिए चला रहे हैं ये मामला। विधानसभा चुनाव से पहले सूबे की सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, कोई भी इस बार सीएम पद का उम्मीदवार ऐलान करने में जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। दिल्ली से पंकज कपाई और संगरूर से सुमित जोशी के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया, मानसा। तो मिशन 2017 से पहले चुनौतियों की राजनीति, वार पलटवार की राजनीति जोरों पर हो रही। इस बीच आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सियासतदानों के विदेश दौरे भी लगातार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रवासी पंजाबियों को लुभाने के लिए विदेश दौरे पर जा रहे हैं। मिशन पंजाब 2017 को फतेह करने के लिए सियासतदानों के विदेशी दौरे जारी हैं। एनआरआई वोट्स चाहे पंजाब में कम हो लेकिन उनका अपने इलाके में काफी असर है। एनआरआईज अपने गांव वालों और रिश्तेदारों को प्रभावित करते हैं, इसीलिए एनआरआई वोट्स की अहमियत को समझते हुए हर पार्टी के नेता विदेशी दौरे पर हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह विदेश दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो विदेशों में बसने वाले पंजाबियों को साधने की कोशिश में कई मुलाकातें करेंगे। आम आदमी पार्टी सुच्चा सिंह छोटेपुर के मुताबिक उनकी पार्टी सिर्फ प्रचार के लिए विदेश का रुख कर रही है, जबकि बाकी पार्टियां फंड इकट्ठा करने के लिए वहां जा रही हैं। पंजाबियों को भी मिलने चले हैं और उन्होंने मिल के उन्होंने गल करांगे कि तुम आम आदमी का पल्ला छोड़ो और लगो साढ़े नाल। जेड़ा बंदा भी जाता वो पैसे वास्ते जाता, यह हो सकता है ये भी कोई सच्चाई हो। सानू सदते हैं बार 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 वाले भीर, क्योंकि वह पंजाब बारे बहुत चिंतित है। वो चाहते हैं कि जिस तरह का सिस्टम बाहर के मुल्कों के है वो जहाँ सिस्टम पंजाब होना चाहिए। चुनाव चाहे पंजाब में है लेकिन इसकी सरगर्मियां विदेशों तक देखने को मिल रही हैं। इस बार भी सियासतदान पंजाब की वोटों को साधने के लिए एनआरआई पंजाबी को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ राजीव वधवा, जी मीडिया, जलंधर। तो चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम की हवा अब सात समुंदर पार भी सुनाई देने लगी है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर विरोधी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का दावा है कि प्रशांत किशोर पंजाब छोड़ अब उत्तर प्रदेश का रुख कर गए हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की दलील है कि सब कुछ आला कमान के दिशा निर्देशों के तहत हो रहा है। कॉफी विद कैप्टन, पंजाब का कैप्टन। पंजाब कांग्रेस का चुनाव प्रचार इस बार जरा हट के अंदाज में है और पंजाब कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की अगुवाई में चल रहा है। विरोधी पार्टियां अब कांग्रेस की इस रणनीति पर सवाल उठा रही हैं। अकाली दल और आम आदमी पार्टी का दावा है कि प्रशांत किशोर इस वक्त पंजाब से ज्यादा उत्तर प्रदेश पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कैप्टन इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनकी दलील है कि चुनाव मुहिम सही दिशा में जा रही है। प्रशांत किशोर आज मैं अखबार से खबर पढ़ी है कि वो भी जा रहे हैं पंजाब चो, क्योंकि वह भी करियर खतरे च पै गया। कांग्रेस आप तो डुबूगी ना, उन्होंने भी डुबूगी हूँ। सो वो कहता भी मैं नहीं इतने रहा, क्योंकि इतने देख लिया उन्होंने कि किराए नाल जा पैसों नाल कोई हवा क्रिएट नहीं की जा सकती जिते तूफान उठे हो। पहले प्रशांत किशोर लैके पता नहीं क्यों लोगों च इन्नी हाइप बनी हुई है, तो अज मैं जो पढ़िया
तो छड़ के यूपी जा रहे हैं। ये जो बातें वो किस लाइन पे चल रहे हैं, आई एम श्योर ही हैज डिस्कस्ड दिस विद द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट एंड उन्होंने अप्रूवल दी होगी। आई कैन ओनली फॉलो व्हाट ही हैज बीन अप्रूव्ड बाय द AICC एज आवर स्ट्रेटजिस्ट एंड जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल वो कर रहे हैं वी जस्ट फॉलो इन लाइन विद दैट। पंजाब विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त है, लेकिन चुनाव अखाड़ा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। हर पार्टी अपने साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश के साथ साथ एक दूसरे की चुनावी रणनीति को निशाना बनाने की कोशिश में है। दिल्ली से पंकज कपाही, संगरूर से सुमित जोशी के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया मानसा। आगे बढ़ते हैं। शिरोमणि अकाली दल लौंगोवाल का कांग्रेस में विलय हो गया है। दिल्ली में पंजाब मामलों के इंचार्ज शकील अहमद और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में शिरोमणि अकाली दल लौंगोवाल के अध्यक्ष सुरजीत कौर बरनाला ने पार्टी का कांग्रेस में विलय किया। तकरीबन 3 दशक तक अकाली दल के साथ जुड़ाव के बाद और अकाली दल की अगुवाई करने वाले सुरजीत सिंह बरनाला की पार्टी शिरोमणि अकाली दल लौंगोवाल का कांग्रेस में विलय हो गया। पार्टी अध्यक्ष सुरजीत कौर बरनाला और गगनजीत सिंह बरनाला ने दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बरनाला परिवार के मुताबिक सीटों को लेकर उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, बस पंजाब को बचाने का फैसला किया है, क्योंकि कैप्टन साहब कैसी शख्सियत ने जिन्होंने पंजाब का पहला बहुत सेवा की है, हूँ भी आस करते हैं कि इस तरीके नाल उते सेवा करेंगे और सानू आस भी है, तो इस करके असं इस पार्टी इन्होंने आए हैं। श्रोमणी अकाली दल लौंगोवाल ना जुड़ गया, इन्हों कारण करके जुड़िया। ये फैसला साढ़े लिए कोई सौखा फैसला नहीं सी, पर सानू लेना पिया फॉर द बैटरमेंट ऑफ पंजाब। पंजाब नू जी असी बचाउणा है ता केवल महाराजा साहब बचा सकदे। कांग्रेस नेताओं ने बरनाला परिवार और उनके समर्थकों का स्वागत किया, दावा किया कि पार्टी को मजबूती मिलेगी। सो इट्स अ वेरी ओल्ड एस्टैब्लिश्ड पार्टी और उससे आने नाल नेचुरली इट्स गोइंग टू बेनिफिट द कांग्रेस। देयर इज नो प्री कंडीशन। इन्होंने बीबी जी ने द होल पार्टी इज जॉइंट अनकंडीशनल। पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाली शिरोमणि अकाली दल लौंगोवाल दूसरी पार्टी है। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल लौंगोवाल पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब की अगुवाई वाले साझा मोर्चे का भी हिस्सा रह चुकी है और बरनाला परिवार से सिमर प्रताप सिंह बरनाला ने कांग्रेस की टिकट पर धूरी से उपचुनाव लड़ा था, लेकिन उनको जीत नहीं मिली थी। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि जो विलय हुआ है उससे कांग्रेस और पंजाब का फायदा होगा, लेकिन अब जो है इस विलय पर सियासत भी गरमा गई है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। अकाली दल ने लौंगोवाल को कांग्रेस की बी टीम बताया तो आम आदमी पार्टी ने इस पर तंज कसा है। दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के कांग्रेस में विलय की तस्वीरों ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस इसको पार्टी की मजबूती के लिए उठाया गया कदम बता रही है, तो विरोधियों ने मोर्चा संभाल लिया है। अकाली दल के मुताबिक बरनाला की पार्टी पहले से ही कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही थी। उधर आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने भी इस विलय पर अपने ही अंदाज में चुटकी ली। आज कोई पीपी पार्टी जड़ी कांग्रेस की बी टीम सी आज कांग्रेस में वड़ गई, जड़ी साडी गल बिल्कुल सच साबित हुई है। आ दूजे जड़े अकाली दल तुरे फिरदे ने ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਲਿਖਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ। चुनाव के दौरान सियासतदानों का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना और छोटी पार्टियों का बड़ी पार्टी में विलय कोई नई बात नहीं है। हर पार्टी ऐसे कदमों के जरिए अपनी मजबूती का दावा करती है, जबकि विरोधी सवाल उठाते हैं। मानसा से बलदेव शर्मा के साथ सुमित जोशी, जी मीडिया, संगरूर। विदेशों में सिखों पर नस्ली हमलों की खबरें तो अक्सर ही सुर्खियां बनती हैं, लेकिन जर्मनी में जो हुआ वो शर्मसार करने वाला है। जर्मनी के एसन शहर में बने गुरुद्वारा साहिब में जब धमाका हुआ उस समय संगते गुरु घर में मौजूद थे। विदेश मंत्रालय, HGPC और DSGMC ने हमले की निंदा करते हुए सुरक्षा के सख्त प्रबंध करने की मांग की है। जर्मनी का एसन शहर जहां पर गुरुद्वारा साहिब में कीर्तन चल रहा था, गुरुद्वारे में श्रद्धालु मौजूद थे, लेकिन अचानक एक धमाके की आवाज आई और देखते ही देखते गुरुद्वारा साहिब में अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें इसी गुरुद्वारे की हैं जहां पर धमाका हुआ और धमाके में 3 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक एक नकाबपोश ने इस वारदात को अंजाम दिया।
हालांकि इस धमाके के पीछे कौन है अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस घटना की निंदा की है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। ये बहुत अफसोसनाक बात है और मैं समझता हूँ कि बहुत दुख वाली बात है, बहुत निंदनीय बात है कि किसी धार्मिक स्थान पर ऐसे रात को बम ब्लास्ट किया जाए और वहाँ का जो मुख्य ग्रंथी है वो भी इंजर्ड हो, उसके साथ और भी कुछ लोग इंजर्ड हो जाएं। फॉरेन मिनिस्ट्री का काम ही यही है कि वो जो बाहर बैठे लोग हैं उनकी रक्षा करें, उनकी देखभाल को इंश्योर करें। DSGMC के अध्यक्ष ने भी गुरु घर पर हुए इस हमले की निंदा की है और ऐसे हमलों को रोकने के लिए जर्मनी सरकार को सख्त कदम उठाने की अपील की और साथ ही उन्होंने सिखों की सुरक्षा को मजबूत करने की मांग की। पर मैं समझता हूं कि गुरुद्वारे के अंदर ये यूरोप में पहला अटैक है, इससे पहले ओक क्रीक मिलवॉकी अमेरिका में हुआ था एंड दिस इज अ वेरी सीरियस इश्यू कि दे हैव बिन टारगेटिंग अस। वो सोचते हैं कि हमारी शक्ल ओसामा बिन लादन से मिलती है, हम मिडल ईस्ट से हैं और मैं समझता हूं कि एक नकाबपोश एक मास्क आदमी वहां से भागते हुए भी देखा गया है, तो जर्मन अथॉरिटीज को इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। जर्मनी में हुए इस धमाके पर विदेश मंत्रालय ने गहरा दुख प्रकट किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक दुखदायी घटना है और विदेश मंत्रालय लगातार इस पर नजर बनाए हुए है और ऐसे हमले विदेशों में सिखों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर का रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो पंजाब में तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये दावा हम नहीं सुच्चा सिंह छोटेपुर कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी तंबाकू पर बैन लगाया जाएगा। पंजाब में आगामी चुनाव के चलते कई वादे और दावे किए जा रहे हैं, ऐसा ही एक वादा आम आदमी पार्टी के पंजाब कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर ने किया है। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा है कि उनकी सरकार आने पर पंजाब में दिल्ली की तर्ज पर तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा। और अच्छा काम किया है ना, जो सारी सरकार आई है 2017 में, ऐसी भी जड़ी चीजें बीमारियां दंदियां ने कैंसर दंदियां ने वर्जित करवाएंगे। नशे के साथ तंबाकू का भी मुद्दा अब मुद्दों की लिस्ट में जुड़ता नजर आ रहा है, जिस पर पूरे तरीके से पाबंदी लगाने के दावे किए जा रहे हैं। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहिब। खबरें हरियाणा से लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर लगाम लगाने के लिए विशेष मोबाइल ऐप FIR लॉन्च किया। फरीदाबाद के सेक्टर 12 के हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में रविवार को लोगों का मजमा लगा हुआ था, बड़ी तादाद में लोग वहां इकट्ठे हुए थे। मौका था सुरक्षा के लिहाज से बनाए गए एक मोबाइल ऐप FIR की लॉन्चिंग का, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लॉन्च किया। ये ऐप पूरे देश में मुंबई के बाद फरीदाबाद में लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री और अधिकारियों का मानना है कि अगर ये प्रयोग कामयाब रहा तो बाकी जिलों में भी इसे लागू किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री का मानना है कि ये ऐप महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाने में बेहद मददगार साबित होगा। पुलिस विभाग की ओर से तैयार किया गया ये लॉन्च वास्तव में बड़ा सराहनीय लॉन्च ऐप है, क्योंकि इस ऐप के माध्यम से कई बार कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद वो व्यक्ति सहायता के लिए पुकारता रहता है, सहायता उसको मिलती नहीं है। अब उस ऐप को अपने मोबाइल में रखेगा तो केवल एक टच बटन से ही उसको पुलिस के कंट्रोल रूम में सारी जानकारी मिल जाएगी, ताकि पुलिस को भी सुविधा होगी उस तक पहुँचने में। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के एतमादपुर गांव के पास प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित प्रगति रैली में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने लोगों की करीब सभी मांगों को मान लिया। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विधायक विपुल गोयल की तरफ से दी गई 10 एकड़ जमीन पर कॉलेज बनाने की योजना को मंजूरी दी। कॉलेज फेल हो गया है, उस कॉलेज के फेलियर के कारण से उन विद्यार्थियों के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है, लेकिन हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि उन विद्यार्थियों को उनकी कक्षाओं में आगे पढ़ाने के लिए जो डिफरेंट और कॉलेजेस हैं, जो MCA के द्वारा जितने भी मान्यता प्राप्त हैं, उन सब जगह उनकी पढ़ाई को पर असर नहीं जाने दिया जाएगा, इनको सबको और दूसरे कॉलेज में भेज दिया जाएगा। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च की,
जिसके कामयाब इस्तेमाल से महिलाओं को सुरक्षा का अनुभव होगा। वहीं फरीदाबाद में लोगों की सभी मांगे मानकर उनकी खूब तालियां बटोरी। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद को कई सौगातें देने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मेवात भी पहुंचे। मेवात का दौरा भी उन्होंने किया। गर्मी के मौसम में भी लोग पूरे उत्साह के साथ मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेवात के लोगों को कई बड़ी सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों की करीब करीब सभी मांगों पर मुहर लगाई और लोगों ने तालियां बजाकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मेवात में 19 प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, 50 स्कूल अपग्रेड होंगे, मेवात मॉडल स्कूलों को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए कोटला झील पर काम शुरू किया गया है। साथ ही इनेलो विधायक नसीम अहमद के चचेरे भाई अख्तर हुसैन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। शिक्षा की, स्वास्थ्य सेवाओं की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी आवश्यकता है, यहाँ रोजगार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस नाते से हमने उन सब चीज़ों पर ध्यान करते हुए कुछ स्कूलों को अपग्रेड किया है, कुछ नए स्कूल खोलने की बात कही गई है, कौशल विकास की दृष्टि से कुछ नए सेंटर यहाँ खोले जाएंगे और मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र को बाकी क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए हमको और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, आगे आएंगे तो और भी करेंगे। देश के 9 राज्य सूखे की मार झेल रहे हैं। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पानी की बूंद बूंद कीमती है लेकिन फिर भी लापरवाही जारी है। बेवजह पानी बहाया जा रहा है लेकिन अब सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में कोई भी पानी बर्बाद नहीं कर सकेगा। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसे जुर्माना देना होगा। एसी और कूलर से बूंद बूंद कर बहता ये पानी तो कहीं कोई गाड़ी धो रहा है। यही नहीं, सड़कों और पार्कों में इसी तरह से पानी की बर्बादी हो रही है। लेकिन सिटी ब्यूटीफुल में पानी बर्बाद करना अब महंगा पड़ेगा। पानी की बर्बादी ना हो इसलिए चंडीगढ़ नगर निगम ने अहम कदम उठाए हैं। चंडीगढ़ में पानी बर्बाद करने वालों को अब 2000 जुर्माना देना होगा। नगर निगम की तरफ से 15 अप्रैल से 30 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा। चंडीगढ़ के मेयर के मुताबिक शहर को 18 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से की निगरानी एक SDO करेगा। चंडीगढ़ में जो है पानी की किल्लत से की समस्या का हल करने के लिए हमने 15 अप्रैल से जो है वो सुबह के वक्त जो है लॉन्स में जो पानी देना और पाइप से गाड़ियों धोने पे बैन लगाया है। और हमारे जो हमने शहर को 18 इलाकों में एक एक हर SDO को एक इलाके का इंचार्ज लगाया है। सुबह 5:30 से 8:30 वो चेकिंग पे रहते हैं। ये टीम सुबह 8 बजे से 8:30 बजे के बीच इलाके में चेकिंग करेगी और पानी की बर्बादी करने वालों को पहली बार में नोटिस भेजेगी और अगर दूसरी बार भी कोई ऐसा करता है तो उसे 2000 रुपए जुर्माना देना होगा। अगर तीसरी बार भी कोई ऐसी लापरवाही कर दे तो पानी का कनेक्शन ही काट दिया जाएगा। देश भर में भी और दुनिया भर में भी पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, पानी बहुत बहुमूल्य है और चंडीगढ़ में भी सबको प्रॉपर पानी मिले इस कारण से हम पानी का बड़ा सदुपयोग करें। और अभी हम अपील करता हूं मैं सारी जनता से कि वो इस चीज़ को समझें और अगर फिर भी कुछ लोग अपनी इस जिम्मेवारी को नहीं समझते हैं तो हम 2000 रुपए का चलान पर वायलेशन पर करेंगे। अगर ऐसे ही पानी की बर्बादी होती रही तो मुमकिन है किसी दिन आप पानी के लिए नल की ओर टकटकी लगाए बैठे रहेंगे और आपको पानी नहीं मिलेगा। देश के कई हिस्सों में पानी के लिए हाहाकार मच गया है और कहीं लापरवाही अब भी जारी है। इसलिए प्रशासन को ही सख्त कदम उठाना पड़ा ताकि सिटी ब्यूटीफुल में कभी पानी की कमी ना हो। नीतिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो पानी की बर्बादी पर चंडीगढ़ प्रशासन सख्ती दिखाता नजर आ रहा है। तो वहीं आगे बात करें तो महाराष्ट्र और राजस्थान में सूखे जैसे हालात बनने के बाद चंडीगढ़ में भी दालों की कीमतें बढ़ गई हैं। दालों की कीमत 20 रुपए से 40 रुपए तक बढ़ गई है जिसके बाद लोगों के बजट पर इसका काफी असर दिखाई दे रहा है। अब एक बार फिर से दालों के रेट आपके घर की रसोई का बजट हिला रहे हैं। दलील दी जा रही है कि नई फसल आने के बाद अरहर की दाल की कीमत कम होगी लेकिन हो रहा है बिल्कुल उल्टा। अरहर की नई फसल आने के बाद दाल के भाव में एक बार फिर से उछाल देखा गया। अरहर दाल की कीमत में 15 दिन में भाव 130 से बढ़कर 155 रुपए किलो तक पहुंच गए। ब्रांडेड अरहर दाल जो पैकेट में बिक रही है उसके दाम तो 175 रुपए के ऊपर जा चुके हैं। इससे अन्य दालों की कीमत पर भी असर पड़ रहा है।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 70-80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, 150 ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਰਸੋਈ ਹਿੱਲ ਗਈ ਆ, ਬਜਟ ਪੂਰਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਰਸੋਈ ਦਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦਾਲਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਗਰਮੀ ਕੇ ਆਤੇ ਹੀ ਦਾਲੋਂ ਕੇ ਰੇਟ ਆਸਮਾਨ ਕੋ ਛੂਨੇ ਲਗੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੇ ਰਸੋਈ ਕਾ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਮਾਰ ਕੋ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੋਂ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕਮ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਦਾਲੋਂ ਕੇ ਰੇਟ ਮੇਂ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੇਂ ਸੂਖੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਦਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕੀਮਤ ਬੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਸੁੱਕਾ ਪੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੁੱਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਮਾਲ ਕਮ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੀ ਦਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੈਸੇ ਰਾਜਮਾ ਹੈ, ਰਾਜਮਾ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਜਮਾ ਕਾ ਬਹੁਤ 7000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਦਾਲ ਜੈਸੇ ਉੜ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਉਹ 140-145 ਰੁਪਏ, 50 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਮਾ ਉਸ ਸੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੈ, ਰਾਜਮਾ ਕੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਾਲ ਕੀ ਕੀਮਤ ਮੇਂ ਇਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵ੍ਰਿਧੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੇ ਬਜਟ ਕੋ ਹਿਲਾ ਕਰ ਰੱਖ ਦਿਆ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। हरियाणा में अब उन निजी स्कूल संचालकों की खैर नहीं जो अपने स्कूल के जरिए व्यापार करते हैं। ऐसे स्कूल संचालकों पर शिक्षा मंत्री ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, साथ ही उन्होंने जल्द ही नए स्थायी शिक्षकों की भर्ती की भी बात कही। झज्जर में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा उन निजी स्कूल संचालकों को लेकर बेहद सख्त नजर आए जिन्होंने अपने स्कूलों को दुकान बना रखा है। शिक्षा मंत्री ने ऐसे स्कूल संचालकों और नियम 134A का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। कुछ प्राइवेट स्कूलों के लोग मनमानी फीस लेते हैं और दुकान खोल रखी है कि जूता जुराब भी बच्चे को यहीं से ले जाओ। हम 19 तारीख को बैठ करके प्रदेश के सभी पदाधिकारी इसका संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहली से 12वीं कक्षा तक जल्द ही गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और 10 मई को गीता का लोकार्पण कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जल्द ही नए स्थायी शिक्षकों की भर्ती की बात भी कही कि आश्रम में कि हम गीता को पाठ्यक्रम में जोड़ेंगे, नैतिक शिक्षा में जोड़ेंगे, 1 से लेकर 12 तक हमने वो सारा पाठ्यक्रम नैतिक शिक्षा का तैयार कर लिया है। 10 या 11 मई को हम उसका लोकार्पण करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता धर्मेंद्र को एक और योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। साथ ही बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी के बयानों को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र को जानकारी दे दी है, जिस पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, कितना फायदा मिला है? इतना बहुत फायदा मिला, सूरज कुंड का जो हमारा हैंडीक्राफ्ट मेला था उसमें आने वाले दिनों में भी उनको लेके बताते। साथ ही शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने मणिपुर में शहीद हुए झज्जर के बेटे की शहादत को सलाम किया है और कहा है कि शहीद मेजर अमित देशवाल की शहादत की याद में उनके पैतृक गांव में एक शिक्षण संस्थान खुलवाया जाएगा। अमित देशवाल की शहादत को नमन करते हुए इस स्मृति को बनाए रखने के लिए हम उनकी यादगार में एक कोई न कोई शिक्षण संस्थान या उनकी स्मृति में उस गांव के हिसाब से कोई न कोई एक बड़ी योजना। रविवार को शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा झज्जर में थे, जहां उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपने विचार रखे, साथ ही कुछ घोषणाएं भी की। संजीव खन्ना, जी मीडिया, झज्जर। उधर झज्जर में एक कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ का दर्द कुछ ऐसे छलका कि हर कोई देखता रह गया। दरअसल जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा का दर्द उनकी जुबां पर आ गया और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। ये है जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हरियाणा में हुई तोड़फोड़ और आगजनी को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ का दर्द। उनका ये दर्द
देर से ही सही लेकिन जुबां पर आ ही गया। धनखड़ साहब उन लोगों पर नाराज हैं जिन्होंने जाट हिंसा में तोड़फोड़ और आगजनी की। दरअसल झज्जर के गांव बागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में ओपी धनखड़ के साथ केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भी पहुंचे थे, लेकिन जब ग्रामीणों ने विकास के लिए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की मौजूदगी में कई मांगे रखी तो धनखड़ साहब खुद को रोक नहीं पाए और उसके बाद क्या हुआ ये सबने देखा। पुराना माननीय दफ्तर तो फूक दिया था तुमने, सारे काम करने जी तो नहीं करता मेरा, ये छोरा बोल रहा था बहुत भावुक होके था। अब मैं कहना चाहता हूँ आप में से कितने फौजी हाथ खड़े करो जरा एक बार। आपने दुश्मन में जाके कब्जा किया पाकिस्तान में, लाहौर में, बांग्लादेश में, वहाँ के घर जलाए थे? नहीं। वहाँ की दुकान जलाई थी? नहीं। वहाँ के स्कूल जलाए थे? नहीं। एक बार देख कर आओ जो स्कूल जले हैं रोहतक में, जो दुकान जली है, जो घर जले हैं, दुश्मन के यहाँ भी जाके नहीं जलाते। धनखड़ साहब यही नहीं रुके, उनके तल्ख तेवर जारी थे। अभी उन लोगों के खिलाफ बहुत कुछ बोलना और सुनाना बाकी था जिन्होंने हरियाणा को आग के हवाले कर दिया था। धनखड़ साहब ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया, मुझे जवाब देने पड़ते हैं, सरकार मुझसे जवाब मांगती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने इसके लिए काफी कठोर शब्द कहे थे। वो काम यहां किया है, कौन जवाब देगा? मैं जाट मंत्री हूं, सरकार में मेरे से पूछते हैं, बैठ जा नीचे, ने जवाब हमको भी देना पड़ता है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को देना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कितने कठोर शब्द कहे इनको, मेरे को पता है, इनको भी पता है, कौन जवाब देगा? और ये कब किया आंदोलन? ये आंदोलन जब किया जब हम कह रहे थे सारी मांग मान ली। जाट आंदोलन के बाद ये पहला मौका है जब धनखड़ साहब का गुस्सा फूटा। धनखड़ ने जोर देते हुए कहा, अगर लोगों को हलके का विकास चाहिए तो उन्हें मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा, समाज में भाईचारा कायम करना होगा और उसके बाद ही झज्जर का विकास संभव है। संजीव खन्ना, जी मीडिया, झज्जर। और अब बात किसानों के लिए एक अच्छी खबर की। किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से खुशखबरी आई है। अब किसानों को हर रोज हर समय खेतों में पानी देने के लिए पंप चलाने के लिए खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, किसान अब घर बैठे ही स्मार्ट पंप स्कीम के जरिए अपने मोबाइल फोन से ही पंप चला और बंद कर सकेंगे। चिलचिलाती धूप तो कभी कड़कड़ाती ठंड तो कभी रात के अंधेरे में काम करता किसान, कभी बीज बोना कभी खेत जोतना, तो कभी भी पंप चालू या बंद करने उसे खेत में जाना ही पड़ता है। लेकिन अब खेतों में रखे हुए पंप को ऑन या ऑफ करने के लिए किसानों को चिलचिलाती धूप में खेतों में नहीं जाना पड़ेगा। अब किसान मोबाइल से ही खेतों में रखे पंप को अपने हिसाब से चला पाएंगे। फायदा होगा हम लोग जो खेत में काम करते हैं, वहीं का जो खेत भारी है तो उसमें हम आएंगे तो उतना हमारा डीजल ज्यादा लग जाएगा, या बिजली से चलाते तो बिजली ज्यादा खपत होगी, तो हम वहीं से बंद कर देंगे तो मेरा फायदा होगा। फायदा हो जाएगी फिर, तो हम खेती में से बंद कर देंगे, झोपड़ी पे वहीं से बंद कर देंगे। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक स्मार्ट पंप स्कीम के तहत किसानों को सिम वाले कृषि पंप दिए जाएंगे जिसे किसान अपने मोबाइल के जरिए संचालित कर सकेंगे। ये पंप 5-स्टार रेटिंग का होगा, इसमें स्मार्ट कंट्रोल पैनल लगा होगा और सिम कार्ड होगा। इसके चलते किसान अपने मोबाइल फोन से उसे ऑन या ऑफ कर सकेंगे। जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो चाहिए वो कम हो जाएगा, और अगर उसको उस तरह से मॉनिटर करते हैं आप तो आसान हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा उसमें, फिर आपको ज़्यादा भूलने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं। सरकार ने देश में चलने वाले 2 करोड़ कृषि पंपों को स्मार्ट पंप से बदलने का लक्ष्य रखा है। मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में 10 लाख स्मार्ट पंप बांटने का लक्ष्य है, लेकिन ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। स्मार्ट पंप से 2019 तक 30% तक बिजली की बचत होगी। किसानों का मानना है कि इस तरह की सुविधा से उनका काम तो आसान हो ही जाएगा, साथ ही बचत भी होगी। डिजिटल इंडिया की तरफ एक कदम, एक सराहनीय कदम इसे जरूर कहा जा सकता है। कैमरामैन बंटी के साथ यशस्वी का, जी मीडिया, दिल्ली। तो अब ऐप्स के जरिए खेती की तस्वीर बदलने वाली है। मौसम विभाग भी एक ऐसा ऐप लॉन्च करने जा रहा है जो किसानों को बताएगा कि अभी खेतों में कब खाद डालनी है और कब नहीं डालनी है। इस ऐप के जरिए किसानों को बारिश और आंधी तूफान का भी पहले से ही पता चल जाएगा, जिससे किसानों को अपनी फसल को बचाने में काफी मदद मिलेगी।
मौसम की बेरहमी से परेशान किसानों के लिए मौसम विभाग खुशखबरी लेकर आया है। मौसम विभाग एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहा है जो कम से कम हफ्ते भर पहले किसानों को मौसम की जानकारी दे देगा। इस ऐप को कई तरह की खूबियों से लैस किया जा रहा है। कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे किसानों को अगर मौसम के बदलते मिजाज की जानकारी एक क्लिक पर मिल जाए तो उससे बेहतर आखिर क्या होगा। मौसम विभाग ने ऐसे ही एक ऐप की तैयारी शुरू कर दी है जिससे किसानों को काफी मदद मिल सकती है। इस ऐप के जरिए अलग अलग इलाकों में रहने वाले किसानों को मौसम की सही जानकारी मिलेगी ताकि वो खेती के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। ऐप के जरिए मौसम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की भी योजना है। किसानों को SMS के जरिए भी मौसम की जानकारी देने की तैयारी है। इस ऐप का वेटिंग पीरियड कुछ सेकंड्स का होगा ताकि इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सके। शुरुआती चरण में मौसम विभाग इसे 300 से ज्यादा शहरों में लॉन्च करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने ये ऐप लॉन्च कर दिया और उसके बाद वी कैन सिट बैक एंड रिलैक्स। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर पाएँ उन इन्फॉर्मेशन को उसमें देने की जो बाकी के सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर्स हैं वो नहीं दे सकते। इस ऐप के जरिए किसान जान पाएंगे कि उन्हें कब खेतों में खाद या बीज डालना चाहिए या और कब नहीं। इसके अलावा किसानों को काफी पहले आंधी तूफान की जानकारी भी मिल पाएगी जिससे फसल की कटाई में आसानी होगी। ऐप में संबंधित मौसम के लिए वैज्ञानिकों की राय का अलग कॉलम भी होगा। अभी देखना दिलचस्प होगा कि ये ऐप मुश्किलों का सामना कर रहे किसानों की राह कितनी आसान बनाता है। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। अब बात करते हैं खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन की। मनाली ले हाईवे पर लाहौल के कोकसर से 10 किलोमीटर दूर एवलांश में फंसे BRO के 4 जवानों को BRO की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। चारों जवान अब सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद खतरनाक था जिसे रेस्क्यू टीम ने महज 20 मिनट में पूरा कर दिया। ये तस्वीरें हैं हिम्मत की, साहस की, बर्फ से दो दो हाथ कर अपने साथी को बचाने की। ये तस्वीरें लाहौल के कोकसर से 10 किलोमीटर दूर रोहतांग दर्रे की हैं, जहां अचानक आए एवलांच में BRO के 4 जवान दब गए। किसी को कोई खबर नहीं थी कि बर्फ के सैलाब में जवान 10 फीट नीचे दबे थे, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। मोटी मोटी बर्फ की परत उन पर थी और वो बर्फ के नीचे, सांसें भी मुश्किल से चल रही थी। लेकिन तभी आए फरिश्ते, जी हाँ फरिश्ते, जो इस मौसम का पूर्वानुमान कर रेकी पर निकले थे। इसे नॉर्थ पोर्टल की रेस्क्यू टीम कहा जाता है। 11,000 फीट के ढलान से ये दल स्कीइंग कर रेकी करता है। तभी इनकी नजर बर्फ में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे जवानों पर पड़ी और फिर शुरू होता है 4 जवानों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू टीम इन जवानों को बचाने में जुट गई और सबसे बड़ी बात यह रही कि महज 20 मिनट में 10 फीट बर्फ से दबे इन जवानों को सही सलामत निकाल लिया गया। अब हमने उसको आइडेंटिफाई किया और उसके बाद हमारी रेस्क्यू टीम ने इमिडिएटली उसको जो है जब शॉवलिंग किया और धीरे धीरे करके किस ढंग से उसको जो है ऊपर निकाला जाए बिल्कुल उसका सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए, तो उसके बाद हमारी रेस्क्यू टीम ने एकदम उनको ऊपर निकाला। तो इस तरह अनुभवी रेस्क्यू दल ने 4 जवानों को नई जिंदगी दी। रेस्क्यू में जुटे इन लोगों का पहला मकसद सिर्फ यही था कि किसी ना किसी तरह इन जवानों को बर्फ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जरा सी देरी इनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। हमारा मोटो यही था कि हम उनको कैसे जल्द से जल्द बाहर निकाले बर्फ से, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर बर्फ में रहते हैं तो जैसे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आदमी डेड हो सकता है या हाइपोथर्मिया होने के साथ चांसेस रहते हैं। रेस्क्यू टीम के इन सदस्यों को इसी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे मुसीबत में फंसे जवानों और लोगों को बचाना है। टीम के सदस्य इस इलाके में रेकी करते रहते हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ कभी भी एवलांच का खतरा बना रहता है। नॉर्थ साइड है, वो एवलांच आने की वहाँ पे ज़्यादा संभावना है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा BRO और जो है मूवमेंट कैसे करना है उसके लिए थोड़ा टाइम दें। अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग वहाँ से गाड़ियाँ निकालनी चाहिए और मूवमेंट करनी चाहिए, क्योंकि दिन में वहाँ पे पूरा चांसेस एवलांच के 100% एवलांच आने के चांसेस रहते हैं। तो कहा जा सकता है कि रोहतांग दर्रे में एक और सियाचिन होते होते बच गया। अगर समय रहते रेस्क्यू टीम के सदस्य नहीं पहुंचते, अगर इनकी नजर इन जवानों पर नहीं पड़ती, तो देश को बड़ा
नुकसान हो सकता था। संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।